गुरुवार को गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने विरोधी पार्टियों को जमकर आड़े हाथों लिया। रवि किशन ने खास तौर पर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की न सिर्फ खुलकर तारीफ की बल्कि फिल्म का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म के नाम पर कुछ लेफ्ट मानसिकता वाले लोगों के पेट में अक्सर दर्द होता है। उन्होंने कहा कि जब भी वो लोग जय श्री राम और हर हर महादेव सुनते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। बोला हैदराबाद के चाटे युवा अंकल नहीं जागत है, वो बिजनेसमैन आदमी है, बैरिस्टर है, लंदन से पढ़ के आया है, दिमाग से चलता है, उनको कोई उनका मुस्लिम समुदाय उनको फॉलो करता नहीं, यूपी में उनकी इतनी बुरी हार नहीं होती, खाली अब बोलते बोलते खत्म हो गए, धस गए, अब ओवैसी के बोलने का कोई असर कहीं नहीं जाता, उनकी कहानी खत्म है। वो पढ़ लिख के किताबी चार शब्द पढ़ के सवेरे पढ़, ये लोग रात में पढ़ता है और सुबह बोलने आता है हेडलाइन बनाने, तो ये गेम अब सबको पता चल गया। एक होता है जो दिल से आदमी बोलता है, जो महसूस करता है भारत को, वो उसकी आवाज़ भी देश अब सुन रहा है। एक होता है किताब से पढ़े हुए चार शब्द बोलना, रात भर रट्टा मारना, और सवेरे की मालूम मीडिया आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चार ठे शब्द मारा, दूठे डायलॉग मारा, वे को शायरी मारा और हेडलाइन बना। अब देश होने देश अब दिल की आवाज़ पकड़ने लगा कि आदमी महसूस क्या कर रहा, भारत को जो महसूस करता है देश उसके साथ है। रवि किशन ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की तारीफ करते हुए कहा कि अब फिल्मों के जरिए ही सही इतिहास सामने लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बचपन से जो इतिहास पढ़ाया गया वो गलत था, यही वजह है कि फिल्म के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह को भी आगे आना पड़ा। बीजेपी सांसद ने कुछ दिनों पहले आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया और कहा उस फिल्म के जरिए सामने आने वाली सच्चाई को दबाने के लिए विरोधियों ने आईटी सेल बनाया, तब भी उन्हें आगे आना पड़ा था। बात ये नहीं सुन ल, बात हो कि हमके बताए के बा अच्छी चीज, जब वो लोग प्रमोट करते हैं, जब वो लोग विरोध करते हैं तो हम लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं ऐसी कोई गलत चीज, सच्चाई को बाहर आना होगा। जैसे कश्मीर फाइल आई थी, सच्चाई को जब भी दबाया जाएगा, सच्चाई आने के लिए विरोधी एक आईटी सेल लगा, तब हमको बाहर आना पड़ा, तब हमारे गृह मंत्री को आना पड़ा। जब भी सच्चाई को छुपाएगा, और हम अगर सच्चाई बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों में कांग्रेस के दौर में सब जो इतिहास को फाड़ के फेंका गया, हमको औरंगजेब और अकबर पढ़ाया गया, हमको हुमायूं पढ़ाया गया, तब हम लोगों को बाहर आना पड़ता है, तब बोलना पड़ता है। हम ऐसे नहीं आते, ना हमारे गृह मंत्री कभी आके बोलते हैं। जब मेरे इतिहास को बताया जा रहा है तो आपको उसको विरोध नहीं करना चाहिए। हम आपको सच्चा इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो हमको गलत इतिहास बचपन से पढ़ाया गया, हम लोग को गलत भारत दिखाया गया। कश्मीर फाइल्स की आपने उदाहरण दी, कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने जब से प्रमोट किया तब से कश्मीर में हिंदुओं के टारगेट अटैक होने लगे और टारगेट हिंदू मारा जाने लगा। नहीं, पहले 5 लाख पंडितों के मारे गए, आप लोगों को भी जानना चाहिए, इतिहास में मारे ही गए हैं हम लोग और मारे जा रहे हैं, अब जाना जा रहा है। रवि किशन ने ज्ञानवापी प्रकरण पर भी खुलकर बोला और कहा कि नंदी किसका इंतजार कर रहे थे, ये अब साफ हो गया है। 500 से 800 वर्ष पहले मंदिरों को ध्वस्त किया गया, अब सच सामने आ रहा है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, तमाम साक्ष्य भी सामने आ चुके हैं, कोर्ट का भी जो निर्णय आएगा सबको मानना चाहिए। बचपन से हम मंदिर जाते हुए जा, हम जब भी जाते थे महादेव यहाँ बैठे रहते, वहां देखते थे नंदी जी बैठी, सवाल उठता था, बुद्धि चलती नहीं थी हमारी कि नंदी जी वहर काहे ताकत है मस्जिद की ओर। आज वो सारी चीजें बाहर आ रही है, स्वयं भू महादेव हैं, अपने आप को स्वयं जागृत कर रहे हैं। जहां जहां ध्वस्त किए गए, जहां जहां हमारे भगवानों को नष्ट किया गया 500 साल पहले 800 साल पहले, अब वो सारे भगवान, वो सारी एनर्जीज खुद स्वयं अपने आप को जागृत कर रही है। सत्य जो होगा माननीय उच्च न्यायालय में है, मैं एक सांसद के रूप में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, न्यायालय का जो भी आदेश होगा, वहां पे शिवलिंग है तो हमको सबको प्रेम से मानना होगा, जैसे प्रभु राम के मंदिर के लिए अयोध्या में हम सब माने। हम लोग सब लोग एक संस्कृति में चलें, हम लोग कोई दंगा फसाद में ना फंसे, हिंदू भी प्रेम से रहे, मुसलमान भी प्रेम से रहे, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे, हाथ जोड़ करके उसको मानेंगे। अगर शिवलिंग न्यायालय कह देगा वहाँ नहीं था तो हिंदू धर्म हिंदू समाज उसको भी प्रेम से मानेगा, मुसलमान समाज को भी मानना होगा अगर वहाँ शिवलिंग था, और दंगा फसाद में नहीं पड़े, क्योंकि कानून लॉ ऑर्डर अभी बहुत स्ट्रांग है, आप लोग किसी भी गलती में ना पड़े। तो मैं नहीं चाहूँगा किसी के बहकावे में आए, ना कोई संत साधु के आए, ना किसी मौलाना के बहकावे में आए,
उच्च न्यायालय को आप लोग पालन करें, डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं, कानून के साथ हम लोगों को चलना है। आपको बता दें कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने ज्ञानवापी मस्जिद पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान सामने आया था। रवि किशन ने कहा था कि मैं वहाँ काफी सालों से जा रहा था, जब नंदी को देखता था तो लगता है कि महादेव बैठे हैं, नंदी को वजू खाने की तरफ देखकर बुरा लग रहा है, अब जब बातें निकली हैं तो सब दिखाई देने लगा है। इसके बाद रवि किशन ने कहा था कि उन्हें कोर्ट पर पूरा विश्वास है।